और आप लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? कोई जगह देखी है? ऐसा सवाल शादी होने के बाद हर कोई पूछता है। विदेश में हनीमून मनाने की जगह भारत की कुछ इन डेस्टिनेशन पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। भारत की 5 बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन जिनके सामने विदेशी जगह भी फीकी दिखती है। नंबर 1, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर का तो नाम सुनते ही रोमांच शब्द याद आ जाता है। शायद तभी भारत में हनीमून डेस्टिनेशन के लिए लोगों की यह पहली पसंद होती है। एक और डल झील में जहां फूलों से सजे हुए बोट आपको बुला रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ बाजारों की हलचल आपको अपनी ओर खींचती है। अगर आप यहां आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले डल झील के शिकारे की रोमांटिक सवारी करें, फिर पटनी टॉप की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी जरूर जाएं। अगर आप ऐसे कपल में से है जिन्हें शांति में रहना अच्छा लगता है, तो समझ लीजिए कश्मीर आपके लिए बहुत ही सही जगह है। नंबर 2, औली। कुछ हटके और अनोखी जगहों में से औली सबसे ऊपर आता है। चारों तरफ से बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा आपको स्की जैसे एडवेंचर एक्टिविटी करने का मजबूर कर देता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची औली झील बेहद ही सुंदर दिखती है। आप कुछ देर वहां आराम से खड़े होकर फोटोज में उन लम्हों को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेकिंग करने का शौक रखते हैं, तो गुरसे बुग्याल के रहस्यमयी रास्तों पर ही ट्रेक करें। औली एक स्की डेस्टिनेशन भी है। आप यहां खूबसूरत बर्फ से ढके नजारों के बीच स्की भी कर सकते हैं। नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप। पानी की नीली चादर, प्राचीन सफेद समुद्री किनारे, घने जंगल और पूरे द्वीप पर पसरती धूप की रोशनी देखने में बहुत ही रोमांटिक लगता है। मैरिड कपल के लिए यह बीच डेस्टिनेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। आप अंडमान में बीच के अलावा लाइट और साउंड शो का भी मजा ले सकते हैं। कई कपल्स की चाहत होती है कि वो हाथ में हाथ डाले सूर्य को अस्त हुए देखे। अगर आप भी यही इच्छा रखते हो तो सूर्यास्त होने से पहले ही राधानगर बीच पहुंच जाइए। ऐसा खूबसूरत नजारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। जिन कपल्स को शांति वाली जगह बेहद पसंद आती है, उनके लिए अंडमान और निकोबार द्वीप एकदम सही ऑप्शन है। नंबर 4, शिलांग। हरी घाटियां, नीला आसमान और दूध जैसे सफेद झरने, यह सभी नज़ारे शिलांग को बेहद ही रंगीन बनाते हैं। यहां आपको हर गली में चहल पहल दिखेगी। बाजारों की रौनक आपको कुछ न कुछ खरीदने पर मजबूर कर देगी। शिलांग में आप देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोह कालिकाई वाटरफॉल का मजा ले सकते हैं। अगर आपको कलाकृतियों को देखने का बहुत शौक है, तो आप डॉन बॉस्को सेंटर में जाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। भारत की विविध संस्कृतियों को जानने में रुचि रखने वाले कपल्स को शिलांग जरूर जाना चाहिए। नंबर 5 की डेस्टिनेशन बताने से पहले वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉप की टूरिस्ट प्लेसेस लाते हैं। नंबर 5 पर आता है तवांग। पहाड़ों और मठों से घिरा हुआ तवांग एक अलग ही शहर है। यहाँ आने वाले लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो किसी और ही खूबसूरत दुनिया में आ गए है। अगर आप फरवरी के महीने में तवांग जा रहे है, तो आपको यह अलग ही नज़ारे देखने को मिलेगा। इस महीने में नव वर्ष मनाया जाता है। तवांग की सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है माधुरी झील। यह झील पूरे भारत में बेहद फेमस है। और हाँ, नूरनांग झरने को देखने के लिए आप एक एक्स्ट्रा दिन लेकर जाएं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस झील को एक बार देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से आपको कौन सा डेस्टिनेशन पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताइए।